भाई इंडिया में 10,000 के अगर आप नीचे स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो भाई, बहुत ही मुश्किल हो चुका है। मतलब ऑप्शन ही नहीं बचे भाई। एक तरफ Xiaomi भाई अलग अलग कैमरा के ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करके स्मार्टफोन बना रहा है, दूसरी तरफ भाई Realme कोका कोला के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। कोका कोला फोन क्यों चाहिए किसी को, पता नहीं भाई क्यों बनाया, अलग ही नशे करके बना दिए फोन। लेकिन इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपका 10,000 का बजट है तो कौन से स्मार्टफोन आपके लिए बढ़िया रहेगा, मतलब अच्छे तरीके से चले भाई, गेमिंग भी आपकी थोड़ी बहुत संभाल ले, फिर अगर आपको थोड़ा प्रोफेशनल काम करना है, मीटिंग्स वगैरह करनी है किसी के साथ, या अगर आपको अपने बच्चों के लिए या फिर अपने स्टूडेंट्स के लिए एक स्मार्टफोन चाहिए 10,000 के नीचे। वैसे आजकल कोई बच्चा भाई आईफोन के नीचे कुछ मांग नहीं था, सबको आईफोन ही चाहिए। ओके, पांचवें नंबर में हमारे पास एक स्मार्टफोन आता है जिसका नाम है भाई लावा ब्लेज 5G। अब ये लावा कंपनी आप सुनोगे भाई इंडिया का ब्रांड है, आप सोचोगे कुछ ज्यादा खास चलता नहीं है ब्रांड, बट यकीन मानो भाई इंडिया का ब्रांड है। माना कि Xiaomi Realme से इसकी रेपुटेशन कम है, बट फिर भी भाई काम ये बढ़िया करता है। इसकी भी इसके अंदर लगा है भाई डोमेस्टी 700 प्रोसेसर, जो कि इस बजट में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको कवर अप करके दे देता है। इस स्मार्टफोन में आपको पीछे की तरफ भाई ग्लास बॉडी देखने को मिल जाती है, या शीशा लगाया हुआ है, ऑब्वियसली आप अपनी शक्ल नहीं देख सकते उस ग्लास में। अब इसमें आपको भाई एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलती, बट इसमें आपको IPS LCD 90Hz की रिफ्रेश रेट मिलता है। जी हाँ, अगर आपको कोई कंपनी इस बजट में भाई एमोलेड डिस्प्ले दे भी देती है ना, तो वो 60Hz तक आपको दे पाती है, लेकिन इसमें आपको LCD डिस्प्ले मिलती है लेकिन 90Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। 90Hz बेसिकली जिसको नहीं पता मैं बता दूं, जितना आप स्क्रॉल करते रहते हो वो हर्ट्ज के हिसाब से स्क्रॉल होता है, और जितना ज्यादा नंबर होएगा हर्ट्ज का उतना ज्यादा स्मूथ स्क्रॉलिंग आप कर पाओगे अपने फोन के अंदर। इसमें आपको तीन कैमरास मिलते हैं, लेकिन भाई दो को आप इग्नोर कर दो क्योंकि पहला ही बहुत अच्छा चलता है, दो तो भाई बकवास है, लेकिन पहला 50MP का आपको मिलता है। बैटरी के बारे में बात करूं, 5000mAh की बैटरी आपको मिल जाती है। अगर स्टोरेज के बारे में बात करूं तो स्टोरेज भाई इसकी है 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, और 1TB तक भी आप एक्सपेंड कर सकते हो चाहो तो। क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है, जी हाँ, मतलब कोई ऐड नहीं मिलेगी भाई स्मार्टफोन के अंदर आपको। एक तो भाई ये इंडिया का ब्रांड है तो उस वजह से आप खरीद सकते हो, और दूसरा भाई इसमें आपको कोई ऐड नहीं मिलेगी उस वजह से खरीद सकते हो। चौथे नंबर में हमारे पास एक स्मार्टफोन आता है Realme की तरफ से, Realme Narzo 5A Prime। अगर मैं कैमरे की बात करूं तो 50MP आपको इसमें भी मिलता है, लेकिन AI कैमरा मिलता है, मतलब मान लो अगर आप अपनी फोटो खींच रहे हो तो भाई AI डिटेक्ट करेगा कि कैसे ये फोटो को रिप्रेजेंट करना है, तो कभी कभार भाई वो फोटो आपके हिसाब से भी खींच सकता है, या कभी आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे उससे घटिया फोटो भी खींच सकते। 6.6 इंच की आपको फुल HD डिस्प्ले मिलती है। अब ये नोटिस करने वाली बात है, पिछले में आपको भाई HD डिस्प्ले मिलती थी, लेकिन इसमें आपको फुल HD मिलती है, तो इसमें आपको यूनिसोक का प्रोसेसर मिलता है, पता नहीं क्यों डाल दिया गया, काम का है ही नहीं बिल्कुल भी। तो इस फोन से मैं ज्यादा परफॉर्मेंस तो नहीं एक्सपेक्ट करता, लेकिन अगर आपको फोटो खींचने का शौक है बजट के अंदर तो आप इसको कंसिडर कर सकते। अब भाई इस बजट में अगर हम इन्फिनिक्स ना लेके आए भाई, फिर तो 10,000 का बजट ना के बराबर है। इन्फिनिक्स का आप Hot 30i देख सकते हो, नाम पता नहीं कैसे कैसे रख देते हैं यार, कोई पूछे कौन सा फोन है ये, इन्फिनिक्स का Hot 39 है। इसमें भी आपको IPS LCD 90Hz का मिल जाता है, और ओवरऑल अगर मैं डिजाइन के बारे में बात करूं, डिजाइन इसका अच्छा है भाई बाकी स्मार्टफोन से अगर मैं बात करूं तो। इसमें आपको MediaTek का Helio G37 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि भाई इतना तगड़ा नहीं है, और इसमें भी भाई 50MP आपको मिलता है, 50MP आपको हर जगह मिलेगा भाई। तो आपको तीन कैमरा नहीं लेकिन दो कैमरा मिल जाते हैं, और कैमरा पे ज्यादा फोकस भी मत करना भाई, एक प्राइमरी कैमरा ही अच्छा होता है। और एक चीज भाई नोटिस करने वाली है स्मार्टफोन के अंदर, इसमें भाई आपको 8GB रैम मिलती है, और 8GB रैम आपको 10,000 के नीचे देखने को मिलता है। ओके, दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है भाई मोटो का। ओके, दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है मोटो का, जी हाँ, मोटो का G13 आप देख सकते हो, वो काफी अच्छा फोन है। और पहली बता दूं, स्मार्टफोन में आपको कोई एड नहीं मिलेगी, कोई ब्लोटवेयर नहीं मिलेगा, ये क्लीन एक्सटॉक एक्सपीरियंस बनाता है। इसमें आपको 90Hz का LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, 6.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले। प्रोसेसर के बारे में बात करूं तो MediaTek G85 प्रोसेसर मिलता है, जो कि भाई 12nm के बेस में है, और इस प्रोसेसर के साथ साथ आप ओवरऑल डिसेंट गेमिंग कर सकते हो, जी हाँ ये कैपेबल है। और सबसे खास बात इस स्मार्टफोन की ये है कि इसमें भाई आपको Dolby के स्पीकर्स मिलते हैं, यस, मतलब जो भाई आपको बड़े बड़े स्मार्टफोन्स में देखने को मिलते हैं स्पीकर्स, वो इसके अंदर आपको मिलते हैं Dolby के स्पीकर्स, मतलब Dolby की साउंड आप बजट के अंदर ले सकते हो। इसमें आपको Android 13 मिल जाता है, यस भाई, जितने ही पहले बताए थे इसमें आपको Android 12 मिलता है। बैटरी के बात करूं, 5000mAh की बैटरी आपको मिलती है 10V की चार्जिंग के साथ। अब आप बोलोगे भाई सक्षम तो इतने सारे स्मार्टफोन बता दिए, इनमें Redmi तो आया ही नहीं, Redmi आ गया पहले नंबर में, ठीक है, Redmi 12C नाम से। अगर आप ये फोन लेते हो ना तो एक चीज भाई मेरे को खटेगी,
वो है इसका 4G होना, ठीक है। 4G अगर आप साइड पे रख देते हो, 5000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है इसके अंदर, आप अलग से SD कार्ड लगा सकते हो, मतलब दो सिम तो लगेगी लगेगी, साथ में SD कार्ड भी आप लगा सकते हो। 50 MP का कैमरा आपको इसके अंदर भी मिलता है, मतलब जितने भी मैंने आप पिछले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन बात की है वो सेम इसके अंदर भी है। हीलियो G85 का प्रोसेसर है। तो ओवरऑल देखा जाए भाई ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, अगर आप 4G को हटा दो, अगर आपके लिए 5G मैटर नहीं करता तो डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। तो ये थे मैंने आपको ओवरऑल स्मार्टफोन बता दिए जो आप कंसीडर कर सकते हो 10,000 के नीचे। किसी भी स्मार्टफोन को जज मत करना भाई इसमें ये कमी है उसमें वो कमी है, ये सारे भाई बढ़िया है, 10,000 के नीचे आपको आराम से देखने को मिल जाएगी। तो जाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, जो सा भी पसंद आता है परचेज कर लो, चेकआउट करो भाई, मुझे भी मजे दे दो भाई, लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके। बाय।